आंटी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बेटा, बोलो। जो कुछ आप लोगों ने मेरे लिए किया है, मैं तो चाह के भी कभी आप लोगों का एहसान नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर लूँ। क्या हुआ, अब सब ठीक तो? ईशा यहां से जाना चाहती है। ईशा बेटा, ऐसे हालात में तुम कहां जाओगी? अभी तो केस का फैसला भी नहीं हुआ। आंटी, वही कहीं ना कहीं चली जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी। अच्छा, और हॉस्टल का किराया कहाँ से आएगा? मैं कोई जॉब कर लूंगी। रियली? कहाँ करेंगी आप जॉब? मेडिकल तो पूरा हुआ नहीं है आपका, डिग्री है नहीं आपके पास, तो बगैर डिग्री के कौन देगा आपको जॉब, जरा बताइए मुझे। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। लिसन ईशा, मैं और मामा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे इस घर में लाए, तुम्हें किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की इजाजत नहीं देंगे हम। ईशा बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। मैं और शावेश तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। देखो, अकेली लड़की का यूं घर से बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं। आंटी, आप मेरी वजह से इतना परेशान हो रही हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें हमारी वजह से परेशान होने की शावेश, हम तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी बेटे हो। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो मैं एक मां बन के तुम्हें यहां से रुख सक लूंगी। तो ठीक है, ढूंढ ले इसके लिए कोई पसंद का दूल्हा, निकाह करवाए इसका और रुखसत करें इसको यहां से। फिर ये जाने और इसका काम।